गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे 14 दिसंबर करंट अफेयर। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 दिनों में महिलाओं के जो खिलाफ जघन्य अपराध हैं उनको हल करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो किस सरकार ने लिया है, वो लिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले का निपटारा 21 दिनों के भीतर और बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के लिए दोषियों के लिए सजाए मौत को अनिवार्य बनाता है। यह कानून आंध्र प्रदेश अपराध कानून में एक संशोधन होगा जिसे आंध्र प्रदेश दिशा कानून नाम दिया गया है, जिसे हैदराबाद के पशु चिकित्सक जिसे कथित रूप से बलात्कार और हत्या कर दी गई थी के श्रद्धांजलि के रूप में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौते को मंजूरी दी है? तो वह दिए भारत और ब्राजील ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल गणराज्य और फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा समझौते का उपयोग भारतीय पेशेवरों या विदेशों में काम करने वाले कुशल कामगारों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है जो छोटी अवधि के लिए विदेशों में काम करते हैं और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीन, हाल ही में उपराज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 72 मीटर लंबा द्रुत पुल का उद्घाटन किया। ये पुल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल, उन्होंने 72 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। द्राज नाला पर बना यह पुल रजौरी जिला के अंतर्गत द्राज क्षेत्र के तहसील कोटरक्का क्षेत्र में से जुड़ता है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे चार, बिम्सटेक देशों के जलवायु स्मार्ट खेती प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो की जाती है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जलवायु स्मार्ट खेती प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक उत्पादकता और लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे धारक कृषि प्रणालियों में सुधार को सक्षम करने हेतु अनुभव साझाकरण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे पाँच, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्रीय औषधक मानक नियंत्रण संगठन और किसके बीच चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वह सऊदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमों के क्षेत्र में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और सऊदी खाद्य औषधि प्राधिकरण के बीच पूर्व व्यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच नियामक पहलुओं को समझने, सऊदी अरब में भारत के चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय रखने में भी मदद मिलेगी ही। क्वेश्चन संख्या देखेंगे छः, किसे टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? तो किया गया ग्रेटा थुनबर्ग को। जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज़ उठाने वाली स्वीडन जो छात्रा है ग्रेटा थुनबर्ग, उनको टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग 1927 में शुरू की हुई परंपरा में पत्रिका द्वारा चयनित सबसे युवा व्यक्ति है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे सात, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप दुनिया का सबसे नया राष्ट्र बन गया है? तो कौन सा बना है? वो बना है बेगनविले। कौन? बेगनविले। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के ऐतिहासिक मतदान में आज़ादी के समर्थन में भारी मतदान किया गया जो पापुआ न्यू गिनी के साथ अलगाव वार्ता को गति देगा। 2 सप्ताह के मतदान के दौरान डाले गए 1,81,067 मतपत्रों में से लगभग 98% द्वीप समूह के पक्ष में थे। इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे नया देश बनने जा रहा है। क्वेश्चन संख्या देखेंगे आठ, निम्नलिखित में से किसने भारत कौशल रिपोर्ट 2019 अभी जारी की? तो किसने की? तो वो की है
वही बॉक्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री, पीपल स्ट्रॉन्ग, इन सभी ने मिलके, यानी आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, भारतीय कौशल रिपोर्ट 2019 को वही बॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभा आपूर्ति में संभ्रम सकारात्मक रुझान है, क्योंकि सर्वेक्षण में शामिल 2014 में केवल 33% के मुकाबले 46% से अधिक छात्र 2019 में रोजगार प्राप्त करने या नौकरी करने के लिए तैयार पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार योग्य उम्मीदवार MBA पास आउट है, जिनमें से 2 साल पहले 40% के मुकाबले 54% को रोजगार योग्य पाया गया है। दूसरी ओर बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, बी कॉम और बी ए स्नातकों के क्षेत्र में पास आउट क्षेत्रों के रोजगार में भी वृद्धि हुई है। जो आज का आपके लिए सवाल है नीचे, जिसका कमेंट के द्वारा आपको जवाब देना है, वो है लोकसभा में हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत किस राज्य को इन लाइन परमिट शासन के तहत लाया जाएगा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा या मेघालय। जो भी आपका नीचे राइट कमेंट होगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था वो था नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा पर FICC फिक्की सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो वो क्या भारत के उपराष्ट्रपति ने, भारत के उपराष्ट्रपति हैं MK वेंकैया नायडू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और सही जवाब देने वाले हैं श्याम मेघवाल, सुरेश देवासी और हिंदी इज ऑन चैनल। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।